बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी क्रिस्पी चिकन बर्गर। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बर्गर पैटी बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ ब्राउन ब्रेड। मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड। अगर आपको ब्राउन ब्रेड नहीं पसंद तो आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके अलावा 750 ग्राम बोनलेस चिकन, 1 चिकन क्यूब, 4 to 6 ब्रेड स्लाइसेस, 1 एग, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबल स्पून अनियन पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मेयो, 1.5 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर, 1.5 टेबल स्पून राइस फ्लावर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट। सबसे पहले चिकन डालेंगे, साथ ही चिकन क्यूब शामिल कर दें। अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर दें, साथ ही इसके अंदर ब्रेड स्लाइसेस शामिल करेंगे, लेकिन इसके पानी इस तरह से आप तमाम निकाल लें, निचोड़ लें अच्छी तरह से, उसके बाद इसके अंदर शामिल करें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ऑल पर्पस फ्लावर और राइस फ्लावर, ऐड करेंगे अंडा, और इसके अंदर एक चीज और ऐड करेंगे, वो है ब्लैक सॉल्ट। पहले इसको हम पीस लेते हैं, अगर हमें लगता है नमक की जरूरत है तो हम ब्लैक सॉल्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह कॉमन सॉल्ट है वो भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने पीस लिए हैं, देखिए इस तरह से। जब ये मिक्स हो जाए और पीस जाए तो इसको हम हाफ आवर के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब अच्छी तरह से सेट हो जाए तो इसके हम पैटीज बनाएंगे। 1.5 कप कैबेज लेंगे, इसको फाइन जुलियन कट कीजिएगा। 1 कप मेयो लेंगे, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1/4 कप शुगर ऐड कर दें। तो ये देखिए ऐसे मिक्स कर लें और इसको फ्रिज में रखें। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल तैयार है, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चिकन पैटी बनाएंगे। अब हाथ को ग्रीस कर लें ऑयल के साथ, जितने आपके साइज के बर्गर है उतनी साइज के आप पैटी बना लें, ठीक है। उसके बाद इसको अंडे में करेंगे डीप। उसके बाद ब्रेड क्रम में अच्छी तरह से ब्रेड क्रम लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम सारे पैटी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए तमाम पैटीज को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए। फ्राई पैन जब गर्म हो जाए तब इसके अंदर तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। एक साइड से हो जाए फिर से टर्न कर लें। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह सारे पैटीज को निकाल देंगे। यहाँ मैंने रेडीमेड सॉस यूज किए हैं। मेरे पास ये है गार्लिक मेयो है, थोड़ा सा हम कॉस्टर रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। दो मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप बना लें, ठीक है। और आपको मैं ये भी दिखा दूँ पैटीज भी किस कदर क्रिस्पी है। ये देखें, ठीक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें।